हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका साउथ कोरिया सीरीज़ के और एक नए वीडियो में। मैं हूँ अभी साउथ कोरिया सियोल के वॉर मेमोरियल में। ये वॉर मेमोरियल काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है। एक पार्ट में आउटडोर डिस्प्ले जो पिछले वीडियो में बनाया था, और ये दूसरा जो इंडोर डिस्प्ले जो इस वीडियो में बना रहा हूँ। ये वॉर मेमोरियल एवरीडे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, और इसका जो क्लोजिंग डे होता है वो मंडे के दिन ये क्लोज रहता है। अगर आप कभी भी आओ तो देखिएगा कि मंडे के दिन आप यहाँ ना आओ। आउटडोर डिस्प्ले में जो वॉर में यूज़ हुए थे वो वेपन सब डिस्प्ले किए हुए हैं, और इस इंडोर डिस्प्ले के अंदर सभी साउथ कोरिया की जो भी हिस्ट्री है वो सब यहाँ पे दिखाई गई है। सभी अलग अलग जो भी वॉर के टाइम थे उसके हिसाब से यहाँ पे हॉल बनाया गया है एग्जीबिशन, और उसमें सब डिस्प्ले किया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत सा ये एंट्रेंस है यहाँ का, इसका मेमोरियल हॉल, और ऐसे बहुत से अलग अलग हॉल है आगे आपको देखने मिलेंगे। वॉर मेमोरियल के एंट्रेंस में ही ये जो वॉर के दौरान जिन जिन हीरो ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी उनकी मेमोरीज में ये एक हॉल बनाया हुआ है। ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है कोरियन में सब। ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ बनाया हुआ है, पर पूरा ये लाइट बना है, काफी अच्छा दिख रहा है अभी यहाँ पे। बहुत बड़ा है ये वॉर मेमोरियल। बहुत ही एडवांस और डिजिटल वॉर मेमोरियल ये बना है। सभी जगह पे ये 3D डिस्प्ले और लाइटिंग का काफ़ी अच्छा यूज़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, देखिए सब 3D में इमेजेस बनाई हुई है। ये कोरियन फॉरेस्ट्री वॉल, ये पूरा जो साउथ कोरिया का इस हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कुछ द ग्रेट विक्ट्री एट द सालसू रिवर, कुछ 4D में एक वॉर सीन क्रिएट किया हुआ है। काफी रियलिस्टिक लगता है ये।
ये है वॉर हिस्ट्री रूम वन, ऐसे बहुत से रूम बनाए हुए हैं वॉर हिस्ट्री के। इस वॉर रूम में काफ़ी एंशियंट हिस्ट्री है साउथ कोरिया की, यानी एकदम जो पुराने टाइम में वेपन्स यूज़ होते हैं उसकी सब हिस्ट्री दी हुई है। ये सभी बो एंड एरो, ये पूरा पहले इस तरह से कुछ रहते होंगे कबीले, यानी ना ऐसा पहले एकदम पुराने से लेके हाईटेक तक का वॉर से ये वॉर हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। ये एकदम स्टार्टिंग से लेके अभी आगे जैसे जाएंगे हाईटेक वेपन की तरफ, ये सभी जो है एंशियंट वेपन है उनके, उस हिसाब से बना है ये। कैसे कैसे इस वेपन्स और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ ये सब हिस्ट्री में दिखाया हुआ है। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी डिजिटल पेंटिंग्स है यहाँ पे। ऐसे स्कल्पचर्स और काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है ये। बेकेज제국의 제5대 칸인 쿠릴라이는 막강한 군사력을 앞세워 거침없이 영토를 넓혀가고 있었다. 중앙아시아는 물론 북쪽으로는 시베리아, 남쪽으로는 페르시아만과 아라비아, 서쪽으로는 유럽의 오스트리아까지 쿠릴라의 군사들에겐 자대가 넘었었으며 그야말로 공포의 대상이다. 그런 무자비한 몽골이 동방의 고유를
야사루가 가장 인정받지 못하기 때문에 오히려 기회로 삼고 모든 힘을 쏟을 것이라 여겼다. 한편 일본군이 재집결한다는 소식을 전해 들은 이순신 장군은 장수를 급히 불러모았다. 장군! 왜군이 총공격을 준비하고 있다고 합니다. 미리 예측은 하고 있었어. 우리 수군들의 사기는 어떻소? 네, 장군. 우리 군사들의 ये है वॉर हिस्ट्री रूम टू। अभी जैसे जैसे आगे मॉडर्नाइजेशन में बड़ा साउथ कोरिया, उस हिसाब से इसकी हिस्ट्री के लिए वॉर हिस्ट्री रूम टू है। वॉर हिस्ट्री रूम वन में सभी एंशियंट वेपन्स और थे, जैसे अभी ये मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ा, उस हिसाब से उनके वेपन्स और उसमें भी थोड़े चेंजेस आए। ये सब ये हिस्ट्री दिखा रहे हैं।러시아가 제일 러시아가 제일
Thank you.
먹고 많아요, 동시에도. 아, 훨씬 맛있어. 선생님 보실 거예요? 네. 정말 재밌을 것 같아요. 저번에 못 봤어. 여기 잡사가지고. 아, 우리도 봅시다. 이거 하나 더 있는데.
머리는 날라가서 사람 뿡 다 날라가고 저 안에 화약 들어서 떨어지네.
cannot. Yeah? Also, yeah, yeah, yeah. जब कोरिया में युद्ध किया तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते कोरिया गणराज्य में चिकित्सा सहायता हेतु एक यूनिट भेजी। 20 नवंबर 1950 को 60वीं भारतीय फील्ड एम्बुलेंस यूनिट, जिसमें 345 चिकित्सक अधिकारी और प्रशासनिक कार्मिक शामिल थे, भूटान पहुंची। यह यूनिट दो भागों में विभक्त थी। प्रमुख यूनिट कॉमनवेल्थ ब्रिगेड की मेडिकल इवैक्यूएशन टीम बन गई, दूसरी यूनिट को कोरिया के सेना अस्पताल की सहायता के लिए और कोरिया के नागरिकों को चिकित्सा सेवा देने के लिए देगू में स्थापित किया गया। भारतीय चिकित्सा दल ने बुनसान क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की सेना द्वारा एयरलिफ्ट ऑपरेशन प्रारंभ करने के कार्य में भाग लिया। यह दल चिकित्सा सहायता की गतिविधियों में संलग्न था। 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम करार संपन्न होने के पश्चात भारतीय फील्ड एम्बुलेंस यूनिट को अभिरक्षक सैन्य बल भारत, जिसे युद्ध बंदियों की अदला बंदी में सहायता के लिए भेजा गया था, में शामिल कर दिया। यह बल और इसमें कार्यरत अधिकारी 23 फरवरी 1954 को कोरिया से वापस हो गया। युद्ध के दौरान भारत ने कुल 627 चिकित्सा कार्मिकों को कोरिया भेजा, जिसमें 224,000 रोगियों को चिकित्सा प्रदान की।
महसूस। Thank you.